तो दोस्तों प्लान फ्लॉप हो चुका है बॉटनिकल गार्डन का, क्योंकि बहुत बारिश हो गई है और हमें बारिश चाहिए नहीं थी, क्योंकि हमें घूमना था बेंगलोर के बॉटनिकल गार्डन में। बट फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम लोग अंदर आ चुके हैं। हमने एंट्री ले ली है, पर पर्सन एंट्री टिकट है 30 रुपीज़, बच्चों का है 10 रुपीज़। और अभी देखिए अंदर का सीन कितना सुंदर है। लालबाग की लेक की तरफ यहाँ पर बेंचेस हैं, अगर आप थके हो तो बैठ भी सकते हैं। और कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ पर, मन को मोहने वाली। देखो यहाँ से सुंदर सा लेक का व्यू। दोस्तों यदि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहाँ शांति हो, हरियाली हो, तो आपके लिए यह जगह परफेक्ट है। अगेन बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने एक पेड़ की छाया ले ली है। दोस्तों अभी पता चला है कि ये 240 एकड़ में फैला हुआ है, तो आज तो घूमना मुश्किल है। अगर पूरा घूमना चाहते हैं तो सुबह से आइए और शाम को जाइए। दोस्तों लालबाग के बॉटनिकल गार्डन में आपको कई प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं और पक्षी भी दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ एक्सरसाइज या कुछ हेल्थ से रिलेटेड है यहाँ पर, कुछ वॉकिंग। ये है यहाँ का गुलाब बाग, लेकिन अभी गुलाब इसमें लगे नहीं है। Okay.
फाइनली दोस्तों मैंने आपको बॉटनिकल गार्डन दिखा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग बैठे हैं श्री कृष्णा प्योर वेज होटल में चाय के लिए और थोड़ा सा नाश्ता करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे बेंगलोर में और शाम को फिर हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे और शाम को हमारी ट्रेन है तमिलनाडु की। दोस्तों ये चाय है और चाय पी के आ जाती है स्फूर्ति और ताजगी। क्या है भेलपूरी और ये क्या लिया गया है सेवपूरी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम हैं बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन में और बस हमारी ट्रेन आने ही वाली है और उसके बाद हम ट्रेन में बैठ जाएंगे और कल हम आपको मिलते हैं मदुरई रेलवे स्टेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय 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 बाय।